झामुमो के अंदर का मतभेद अब सामने आने लगा है। विधायक लोबिन हेम्ब्रम जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाने पर ले रहे थे, वहीं विधायक स्टीफन मरांडी की ओर से लोबिन हेम्ब्रम पर पार्टी विरोधी काम करने का आरोप लगाया है। स्टीफन मरांडी ने कहा है कि लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी की साह पर झामुमो के विरुद्ध काम कर रहे हैं। देखिए, कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है जिसके जिसको साफ करने के लिए हम ये पीसी कर रहे हैं। उसमें जिस ढंग से हमारे क्षेत्र में लोबिन जी का मीटिंग और मेरा पुतला दहन करना हेमंत सोरेन सीएम के साथ, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, लोगों को किस तरह से भरमाया जा रहा है, इस पर हम साफ करना चाहते हैं। इसमें हम लोग के दल में जो भी किसी आदमी को किसी डिमांड पर बोलना था उसके लिए बैठकें होती है, और बैठक में हम लोग तय करते हैं कि कौन डिमांड पर कौन आदमी बोलेगा। उसमें हम लोग जब मीटिंग तय किया तो लोबिन हेम्ब्रम जी उसमें गए नहीं और बोला कि हमको नहीं बोलने दिया गया। इसके बाद हम जो आसन पर बैठे हैं पीठासीन पदाधिकारी के तौर पर, तो जब भी कोई भी पीठासीन पदाधिकारी आसन पर बैठता है तो सब को एक नज़र से देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मेरे दल का है तो उसको बेसी दें, दूसरे दल का है तो उसको ना दें। तो उसमें मीटिंग में भाषण में बोला हूँ कि हमको आसन से नहीं बोलने दिया। तो ये सब इमेच्योर दिमाग क्या पैदाइश है, जो आसन पर आज उंगली उठा रहा है तो कल को स्पीकर पर भी एक उंगली उठेगा। स्पीकर हर चीज़ आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर में या सूचना का अधिकार में बोलने ही देगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। चूँकि आसन आसन है, आसन से समान रूप से लोगों को न्याय करना है और किसको कितना क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए उसके विवेक पर डिपेंड करता है। और उसको एक आरोप लगा के वो बताए कि भाई हम जो है हमको नहीं बोलने दिया गया इसलिए इसका भी पुतला दहन करो, ये सब कन्फ्यूजन ही है। तो आज जो खतियानी उतियानी जो रट रहा है ये पुरानी बात है, और केवल वही नहीं बोल रहा था, सबको ही बोल रहे थे। लेकिन इसमें हर आदमी के साथ बैठ के जिस ढंग से आप लोग भी देख रहे हैं कि ओपोजिशन के साथ बीजेपी के साथ बैठक करके वो किस तरह से बात बोल रहा है खतियानी का, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि उसका खतियानी का मतलब क्या है। खतियानी गुरुजी भी बोलते थे, लेकिन खतियानी किस तरह से किया जाएगा ये सबसे बड़ी बात है। खतियानी एक जगह नहीं हुआ है, केवल 1932 में नहीं हुआ है, 2005 तक हुआ है। और हम ये मूलवासी और आदिवासी यहाँ के उनके भावनाओं के अनुरूप हम कौन रिकॉर्ड ऑफ राइट को हम मान्यता देंगे, वो तो लीगल पहलू से तय करके ना हम करेंगे। ऐसे तो नहीं बोल देंगे खतियानी करो, किसी का खतियाने नहीं है तो वो छूट जा रहा है, 2005 है तो 2011 छूट रहा है। तो इस तरह की बात जो बोल करके एक माहौल मैंने गंदा करने का एक उपाय लगाया है लोगों, ये सही बात नहीं है। और खामखा हम लोग को दोष देना और मेरे क्षेत्र में जा कर के पुतला दहन करना ये उचित नहीं है, पार्टी के अनुसार ये सही नहीं है, ये पार्टी के खिलाफ का काम है। तो ये पार्टी खिलाफ ही काम जो कर रहे हैं उसी के लिए हम साफ करने के लिए आज पीसी कर रहे हैं कि भाई इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और इमेच्योर तरह से किसी के बढ़ावे से किसी के उकसावे से कोई भी चीज़ को इस ढंग से बात को पब्लिक के सामने हटिया में मीटिंग कर रहा है। अभी पुतला दहन का बात होता है तो हालांकि कोई आदमी जुटता नहीं है, लेकिन इसके बाद भी एक माहौल तो कर रहा है। एक तो पार्टी में पार्टी के फ्रंट में नहीं रख करके वो अलग से हटिया में मीटिंग करें, ये अच्छी बात नहीं है, ये पार्टी के खिलाफ का काम है, मेरा ये कहना है। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद। धरती धड़कन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। पर्वत
उस्ताद आफत में पड़ी है जान। उस्ताद उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।